सही है जी। एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड, सो एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड हम किस तरह निकालते हैं, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड प्लस ऑल क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस किस तरह निकालेंगे, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज प्राइस। सो कहने का मतलब यह है कि क्या रिस्पॉन्स करता है सप्लाई जब प्राइस में चेंज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जी यहां तक तो कोई सवाल? जी अपने अपने सवाल टाइप कर जाए, शाबाश। यहां तक सेम वही चीज है जो कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई की टर्मिनोलॉजी आई बस। जी जी सलमान, इमरान, अमरीन, आलिया, सुंदर जी, शाबाश। बाकी भी अजहर, क्लियर जी? सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है, कि प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उसके मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाई क्या रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा मैं इमरान रिपीट करता हूँ, मैंने कहा भाई कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाता है, प्राइस में चेंज आया तो प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाई क्या रिस्पॉन्स करेगी, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है, बस सिर्फ चेंज आया सप्लाइड का, डिमांड की जगह सप्लाई टर्मिनोलॉजी आई। कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस में चेंज आ जाता है तो क्या सप्लाई में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा कि नो नो चेंज। ठीक है, तो प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज में या प्राइस में चेंज आने से सप्लाई क्या रिस्पॉन्स करेगी, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, तो ये था वही फार्मूले, वही पुराने फार्मूले। ठीक है जी, यार मैं अगर आपको थोड़ा सा रिपीट भी करवा दूं ना, ताकि आपको रिपीटिशन में कोई मसला ना हो। देखिए भाई सेम यही चीज इंशाल्लाह, ये देखिए इधर सिर्फ ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, तो इधर सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई टर्मिनोलॉजी आ गई, बस सेम वही चीज है। क्लियर? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको कहते हैं कि प्राइस में चेंज आ जाने से सप्लाई में क्या चेंज आया, तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये डिफिनेशन काफी है बस। क्लियर? देखिए अब जिस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, कुछ याद आ रही कि नहीं? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक, पांच टाइप की वो होती है इलास्टिसिटी टाइप्स होती है ना, हमने उसमें पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सेम उसी तरह सप्लाई में भी परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, वही पांच तरह की चीजें। लेकिन अब हम सप्लाई के रेफरेंस से पढ़ेंगे, उधर हमने पढ़ा था डिमांड के रेफरेंस से। अब मैं आपको बताता हूं यार क्या था परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, क्या था परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये था कि प्राइस में नो चेंज, मैं डिमांड के वो थोड़ा सा आपके लिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा वो इन हो ना उसमें। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था कि अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए या स्मॉल चेंज है, थोड़ा माइनर चेंज आए, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में एक बूम आए, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ याद आया? मैं चीजें इसलिए लिंक कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसमें बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं।
बहुत सी चीजें इकोनॉमिक्स में आपको इंशाल्लाह मिलती जुलती नजर आएगी। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा कंसेप्ट आके क्लियर हुए ना तो बाकी चीजें बहुत आसान है। सेम इसी तरह परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी वही चीज है, इसलिए क्योंकि आप फॉर टाइम बिंग छोड़े इसको। देखें जब प्राइस थी 8 तो क्वांटिटी सप्लाई क्या थी 20। क्लियर जी, प्राइस थी 8 तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 8, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्रोड्यूसर ने मार्केट में मजीद सप्लाई इनकी किसी भी रीजंस की वजह से, कोई वेदर्स कंडीशन हो सकती है या उसके साथ स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ होगा, उसने प्रोडक्शन ज्यादा की होगी, ठीक है, कोई रीजन भी हो सकती है, ठीक है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जिसकी वजह से अब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, लेकिन मार्केट में अब उस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन वो मजबूरन चूंकि वो ज्यादा प्रोडक्ट कर रहा है उसको मजबूरन मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा करेगा, कोई भी रीजन हो सकती है, हम अभी उस रीजन में नहीं जाते। क्लियर जी, अब प्राइस रही कांस्टेंट लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज आया 40 का, अब 20 से 40 तक उसने शिफ्ट की, मजीद उसने 20 प्रोडक्ट्स मार्केट में इन किए, हालांकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया। पहले जब प्राइस 8 थी तो तब भी क्वांटिटी सप्लाई 20, अब भी जब प्राइस 8 है तो अब क्वांटिटी सप्लाई 40 पे चली गई। तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि प्राइस में या कोई चेंज ना आए और आपकी सप्लाई बढ़ जाए, या माइनर सा चेंज आ जाए लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आए, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब उसने जो ये दिया नॉट पॉसिबल, कि यार अगर प्राइस 8 से 7 पे आ जाए ना तो वो सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए फिजिबल नहीं है, वो उसका रिजर्वेशन प्राइस नहीं है, उसने रिजर्वेशन प्राइस ही रखा 8 है, प्रोड्यूसर ने रिजर्वेशन प्राइस 8 रखा कि यार मैं 8 से यार कम पे नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं 8 से कम पे बेचूंगा ना तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए उसने ये साथ लिखा है कि यार देखिए इधर पूछने की, इफ द प्राइस मूव बिलो द 8, अगर वो 8 से नीचे आ जाते हैं तो वो सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए फिजिबल नहीं है, वो उसका रिजर्वेशन प्राइस नहीं है। जी अब सारे कंफर्म कर दे के परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में किसी को कोई इशू, शाबाश, यहां अपने अपने सवाल पुट करते जाएं ताकि फिर हम आगे जाएं। आसान है ना, वही चीज है यार, शाबाश अमरीन, शाबाश, आगे भी सारे इकरा, इमरान, सलमान, अजहर, शाबाश आसिफ, ठीक है भाई, ठीक है जी, बाकियों को भी मैं इसलिए ऐसा सजा रहा हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी टाइम है, इंशाल्लाह होप सो कि रमजान में आपकी मजीद 8-10 क्लासेस मजीद आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो थोड़ा सा हिम्मत कर ले भाई, देखिए अपने आप पर काइंडली इन्वेस्टमेंट किया करें, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, इंशाल्लाह आपको रिवार्ड। देखो वो कहते हैं कि अगर आप 6-7 महीने अच्छी मेहनत करें ना तो वो आपको 5-10 सालों का रिवार्ड देते हैं, तो हमने शुरू में नहीं किया तो अभी हमें भुगतना पड़ रहा है पर्सनली मुझे, ठीक है जी। तो अगर हम उस टाइम कर लेते तो अभी आज हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली मसला नहीं होता, लेकिन उस टाइम आयाशी हमारी है तो अब मसले हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ जाती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इलास्टिक है ना, भी प्राइस में चेंज आएगा तो साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। जिस तरह अगर आपको याद हो लॉ ऑफ सप्लाई वाला कर्व, तो इस तरह था ना लॉ ऑफ सप्लाई वाला कर्व, इसी तरह तब, क्लियर जी, कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, मतलब इस तरह, ठीक है जी, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटी सप्लाइड का और प्राइस का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक सप्लाई, कि सप्लाई इलास्टिक है, प्राइस में चेंज आ रहा है साथ साथ सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। सेम वही फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला, ठीक है जी,
ये न्यूमेरिकल है, जरा आप देख लें कि ये था ऑल प्राइस। मैं आपके लिए लिख लेता हूं, आप इसको सॉल्व भी करें, इसलिए सॉल्व करें ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस पे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, प्राइस जब थी 10, इन्होंने मूव किया 12 पे, क्वांटिटी सप्लाई ये रही है मेरे पास 4 और ये रही मेरे पास 6। जी इसको जरा सॉल्व कर लें कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक। अगर जवाब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इलास्टिक, अगर लेस देन 1 तो इनइलास्टिक, और इक्वल टू 1 तो यूनिट इलास्टिक। शाबाश, सारे सॉल्व करें। आयशा, मेरे ख्याल से आपने लेट ज्वाइन किया तो काइंडली पूछे कोई सवाल। जी जरा इसमें मेरे को काइंडली सॉल्व करने। शाबाश, होप्स हो कि आपके पास नोटबुक और कैलकुलेटर होगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़े न्यूमेरिकल है ना, तो काइंडली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। जो जो सॉल्व कर ले तो काइंडली डन लिख ले। सही है इमरान, ठीक है ठीक है। एक आप इसको राउंड ऑफ कर ले 2.16। अब तो हम अकाउंटेंट लोग हैं ना, तो राउंड कर ले, कोई मसला नहीं। ग्रेटर देन वन आ रहा है ना विखा खान, आपके पास जवाब सही आ रहे हैं। ठीक है इमरान, सही है भाई, इंशाल्लाह इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, इंशाल्लाह इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। मैंने ठीक है सर, तो ग्रेटर देन वन, अब ये इसका मतलब क्या है? ठीक है सदीक, बाकी भी कंफर्म कर, आयशा खदीजा कांडली आप लोग भी कंफर्म कर दें। शाबाश शमीन, शाबाश, ठीक है आलिया, सही है इसको, ठीक है खदीजा इसको इंटरप्रेट कर दे। जी आयशा, आयशा भी कंफर्म कर दें। ठीक है ब्रह्मान, शाबाश, सही है भाई। अब देखिए, अब इसको मैं इंटरप्रेट करता हूं। ठीक है आयशा, देखें अगर जवाब ग्रेटर देन वन आ रहा है तो आपने नीचे क्या लिखना है, इसका मतलब ये कि प्राइस में स्मॉल इंक्रीज आने से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आई, तो हमारे पास जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। अगर ये जवाब लेस देन वन आता तो आप कह लेते कि इसका मतलब ये है, इट शोज कि ए बिग चेंज इन प्राइस लीड टू ए स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, सो इट इज इन इलास्टिक। अगर लेस देन वन होता, अब चूंकि ग्रेटर देन वन है तो आप लोग यही लिखेंगे कि एज द स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, देयरफॉर इट इज इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, या सप्लाई इज इलास्टिक, फिर ये तो आप लोग इस तरह जवाब को इंटरप्रेट करेंगे। आई रिपीट, आप लोग ये कह सकते हैं कि एज द आंसर इज एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, इट शोज कि ए स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस लीड टू ए बिग इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सो देयरफॉर द सप्लाई इज इलास्टिक। इस तरह आप लोग थोड़ा सा जवाब को इंटरप्रेट करेंगे, अपने अपने इंग्लिश में काइंडली लिखते जाए। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई क्या चीज है? देखिए, अगर आपको यूनिटरी का वो हमने रेवेन्यू मेथड या
एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़ा था कि जब आपके पास प्राइस में चेंज आए लेकिन आपकी टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट रही, वो 48-48 याद है? मैं थोड़ा सा आप लोगों को उधर लेके जाता हूं ताकि लोग आपको क्लियर हो, एक मिनट सर, कि कंसेप्चुअली यू पीपल मस्ट बी स्ट्रांग, इकोनॉमिक्स इतना मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना आप लोग तो आई होप सो कि ये आपका सुकून से निकल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर हमने ये वाला दिए, ये हमने डिमांड के पर्सपेक्टिव से उस टाइम पढ़ा था कि प्राइस ने 12 से 8 पे मूव कर ली, डिक्रीज हुआ, क्वांटिटीज डिमांड में भी चेंज आया लेकिन टोटल रिवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो यूनिटरी डिमांड था। क्लियर जी? सेम वही चीज इधर भी। ये कि प्राइस ने 4 से 8 पे मूव की, उसूलन सप्लाई में इंक्रीज आना चाहिए, बिल्कुल इंक्रीज आया, लेकिन अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले, ठीक है, तो इसका जवाब आएगा 1 के बराबर। तो जब जवाब 1 के बराबर आएगा, आपका आंसर 1 के बराबर आएगा, तो आपके पास डिमांड सप्लाई जो होगी वो यूनिटरी होगी, मतलब बेशक प्राइस में तो इंक्रीज आया लेकिन सप्लाई में उस लिहाज से इंक्रीज आया कि हमारा कोई हमें एट द एंड हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, प्राइस में भी इंक्रीज आया, सप्लाई में भी इंक्रीज आया, लेकिन हमें कोई इतना फायदा नहीं हुआ, ठीक है, हमारे पास जवाब 1 ही आया, ठीक है, हमारी जो पहली रिवेन्यू थी टोटल रिवेन्यू वो पहले भी प्राइस में चेंज आने से पहले भी वही थी और प्राइस में चेंज आने के बाद भी वही है, तो हमें कोई इतना खास फायदा नहीं है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे ना इंशाल्लाह, जरा सॉल्व कर ले, मैं आपके लिए टेबल बनाता हूँ, मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। 4 से 8 पे चली गई, लेकिन इसमें सारा परसेंटेज मेथड है, ये आपने याद रखना है, जब क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, ये हमारे पास चली गई 3 से 8 पे, सिर्फ 3 से 6 पे चली गई, 3 से 6 पे, सॉरी, जरा इसको सॉल्व कर ले परसेंटेज मेथड थ्रू, फॉर्मूले में डाले शाबाश, ये सबका जवाब 1 आता है कि नहीं, ये 6 है जी, ये 6, प्राइस ने 4 से 8 पे जंप किया तो क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज आना चाहिए, लेकिन परसेंटेज मेथड के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब 1 आना चाहिए। से आसिफ, से अजर, ठीक है, इमरान, सलमान, से एक रस, सही शाबाश, ठीक है भाई। तो चूंकि सही, चूंकि 1 के बराबर है, सो एन इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू प्रोपोर्शन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस में तो इंक्रीज आया और साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज आया, लेकिन हमें, ठीक है खदीजा, तो हुआ क्या, हम एट द एंड हमारी सप्लाई 1 के बराबर है तो हमारा टोटल रिवेन्यू जो होगा, जो हमें टोटल फायदा होगा, वो कोई इतना खास नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो देखो सप्लाई में भी इंक्रीज आया, प्राइस में भी इंक्रीज आया, लेकिन हमारा जो परसेंटेज मेथड के थ्रू जो जवाब है वो 1, ठीक है। तो आप लिख लोगे कि ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटरी। क्लियर? यूनिटरी का कर्व इस तरह होता है, इस तरह, थोड़ा इस तरह, इलास्टिक का इस तरह होता है, ठीक है। खालिद किस तरह ग्रेटर हो गया भाई, जरा इसको दोबारा रीचेक करे, काइंडली इसको रीचेक कर ले, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि कोई कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपने मिसिंग की होगी, कोई डेसिमल्स वगैरह में, सही है आयशा, ठीक है। तो इसका कर्व इलास्टिक का इस तरह, यूनिटरी का इस तरह, और जब हम इनइलास्टिक का पढ़ेंगे ना, इनइलास्टिक का, तो उसकी टेंडेंसी थोड़ी वर्टिकल की तरफ होती है। क्लियर? अब
इनइलास्टिक सप्लाई वो सप्लाई होती है कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन प्राइस में चेंज आ जाने से क्वांटिटी सप्लाई में स्मॉल चेंज आया, इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। कि ए बिग चेंज इन प्राइस, ए बिग चेंज इन प्राइस लीड टू ए स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड इनइलास्टिक सप्लाई। कि प्राइस में बहुत ज्यादा, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, उसने 5 से 9 पे जंप लगाया, ठीक है जी, जबकि क्वांटिटी सप्लाई में सिर्फ एक ही यूनिट का इंक्रीज हुआ, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। उसूलन क्या होना चाहिए हमें कि जब प्राइस में इंक्रीज आता है तो क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज आना चाहिए ना, लेकिन हुआ क्या कि हमने प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई में स्मॉल इंक्रीज आया, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कि सप्लाई हमारे पास इनइलास्टिक होती है और ये लेस देन 1 होगा, ठीक है जी। तो इसका कर्व थोड़ा यार, ये कर्व थोड़ा सा आप देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूं कि परफेक्टली इलास्टिक का इस तरह होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। इलास्टिक का थोड़ा सा इस तरह, इनइलास्टिक का थोड़ा सा यूनिटरी, ठीक है, और यूनिटरी का और इनइलास्टिक का थोड़ी सी टेंडेंसी उसकी वर्टिकल्स की तरफ होती है, क्लियर जी। ये न्यूमेरिकल जरा देख ले आप, जल्दी जल्दी शाबाश, बताइए जल्दी सॉल्व कर ले, देख ले लेस देन 1 ही आ रहा है, ताकि घर में आप दोबारा करें तो मसला ना हो। जी सदीक, आपने ठीक किया, वो सही है अजहर, शाबाश, लेस देन 1 है ना, तो इनइलास्टिक। अभी तो होप्स हो कि ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ये तो जी बाकी भी कंफर्म कर दे शाबाश। ठीक है मान आसिफ, सही है, ठीक है जी अजहर, शाबाश। अच्छा अब याद, जब हम पढ़ रहे थे प्राइस मैकेनिज्म में पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई, ठीक है खाकान अब्दुर्रहमान शाबाश, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, जब हम पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई पढ़ रहे थे, प्राइस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ गुड्स इस तरह होते हैं कि उसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वही चीज है, मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह जब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक जो होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है 5 से 9 पे उसने जंप किया, लेकिन हमारी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। देखिए जब प्राइस थी 5, जब प्राइस 5 थी तो तब भी हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है खालिद, तब भी हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई 6 थी, क्लियर। जब प्राइस 5 से 9 पे चले गई तो अब भी हमारे पास जो सप्लाई है वो अब भी 6 है, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि प्राइस में चेंज आने से हमारे क्वांटिटी सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो इस किस्म की सप्लाई को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। कि जब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाने से हमारी सप्लाई में कोई चेंज ना आए, क्लियर, या स्मॉल चेंज आ जाए, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। और मैंने आपसे उधर पेरिशेबल गुड्स में भी, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 2 में मैंने आपसे कहा था कि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक होती है, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो इस पॉइंट में कोई इशू, मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह वो डायग्राम आपको तब दे रहा होगा जब आप इधर ये पढ़ लेंगे, तो अब परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई इशू जी, कि प्राइस में ए बिग चेंज इन प्राइस
lead to no change in quantity supplied is called perfectly inelastic supply. ये perfectly inelastic, ये और perfectly elastic of supply, ये दोनों opposite हैं. बिल्कुल बिल्कुल सलमान से ही समझिए आप भाई. ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है. जी भाई की भी कंफर्म कर दे, शाबाश. यार ये वाला देखो, ये वाला कर, मैंने आपसे कहा था ना कि पेरिशेबल गुड्स का इनइलास्टिक होता है. अगर पेरिशेबल गुड की सप्लाई इनइलास्टिक होती है और डिमांड बढ़ भी जाए, डिमांड बढ़ रही हो, ठीक है, तो होगा क्या, प्राइस बढ़ेगी. ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा था कि ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जब हम उधर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई पढ़ेंगे. तो होप सो इंशाल्लाह इस डायग्राम में अब कोई इशू नहीं होगा कि ये क्यों वर्टिकल टू एक्सिस होता है. क्लियर जी. तो अब जी जी इकरा जी, अजहर सदीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई इशू, शाबाश खदीजा, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कोई इशू, तो अब आप पूछ ले. अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अब हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह आपके सर हमें क्लियर हो रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं आई एम श्योर कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना इशू नहीं आएगा. वो इतना टेक्निकल नहीं है जितना ये टेक्निकल है. इसमें सिर्फ चैप्टर 5 आपको थोड़ा सा टाइम देगा इंशाल्लाह. मैं इसको कोशिश करूँगा कि अच्छा पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो. इंशाल्लाह नहीं होगा. उसमें भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें रिपीट हो रही है, बहुत सी चीज़ें. उसको अगर आपने मेन थीम पढ़ लिया ना, बस जिस तरह आप लोगों ने इधर मेन थीम पढ़ लिया, मैं चीज़ों को लिख क्रॉस लिंक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिपीटिशन भी हो और कोई कंफ्यूजन ना हो. इसमें बहुत सी चीजें रिपीट हो रही है, बहुत सी चीजें. अभी आपको इंशाल्लाह साथ साथ थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा. ठीक है, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी. इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं. ठीक है, उसने पूछा है सवाल. वो पेज 88 पे कौन सा, इधर अभी हम नहीं पहुंचे ना भाई खाकान, थोड़ा सा सबर करो. इनल्लाह मगस्वाबीन, अब थोड़ा सा भाई सबर कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा. ये इतना उन्हीं, ये सब जो हमने अभी ऊपर जो पढ़े ना, ये उस सब का कम्बिनेशन है. इसको हम एक एक करके बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा. यार ये पेज 88, यार ये मुझे अब याद होगा इंशाल्लाह. ठीक है, हो जाएगा यार, ये हो जाएगा अभी इंशाल्लाह. ये आसान, ये सब का कम्बिनेशन है ना. ये मैं हैरान हूँ कि पेज 88 पर सब कौन सा डायग्राम है भाई. हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह भाई, हो जाएगा. आसान, अगर आपको ये बाकी चीजें क्लियर है तो ये आसान, ये आप खुद भी कर सकते हो. अच्छा, अब डिटरमिनेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, तो ये 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है. ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है जी, अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा अवेलेबल है आपके गोडाउन में या आपके गोदाम में या आपके स्टोर में, आपके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा है और मार्केट में अचानक डिमांड बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो आपके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा होगा गोडाउन में या आपके पास स्टोर में, और अचानक आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, हालांकि प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि आपके पास स्टॉक है और डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो होगा क्या, आप मार्केट में ज्यादा सप्लाई कर लोगे. क्लियर, हालांकि प्राइस नहीं बढ़ी लेकिन उधर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है. जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आपके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, तो आप क्या कर लोगे, आप उसी प्राइस पे, उसी कम प्राइस पे आप क्या कर लोगे, ज्यादा सप्लाई कर लोगे. तो आपके पास सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई इलास्टिक. ठीक है, कि प्राइस में नो चेंज बट सप्लाई में इंक्रीज आया मार्केट में, तो हुआ क्या, आपके पास सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी. ऊपर हमने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस में चेंज ना आए, प्राइस में चेंज ना आए और आपकी सप्लाई में इंक्रीज आ जाए, तो आपके पास सप्लाई क्या होगी, सप्लाई आपके पास
इलास्टिक होगी या परफेक्टली इलास्टिक होगी कि नो चेंज इन प्राइस बट मार्केट में डिमांड बढ़ गई, आपके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, मजीद सप्लाई मार्केट में इन कर लोगे, तो आपके पास सप्लाई इलास्टिक होगी। ठीक है जी, इस पहले पॉइंट में कोई इशू, इस पहले पॉइंट में कोई इशू? इफ द स्टॉक एग्जिस्ट देन दिस दीज विल बी सोल्ड इफ डिमांड इंक्रीज विदाउट द नीड ऑफ राइज इन प्राइस, कि प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं आया लेकिन आपने मार्केट में मजीद सप्लाई की क्योंकि आपके पास